नया शगुफा, नित नई बहस, ध्यान भटकाव आंदोलन भारतीय जनता पार्टी चलाती रहती है। गांधी स्मृति दर्शन संस्था ने एक नया अंक छापा है, सांस्कृतिक मंत्रालय ने एक नया शगुफा छोड़ा है। उस अंक स्पेशल अंक की कवर जो है वो सावरकर जी है, 13 लेख सावरकर जी पर लिखे गए, 1 लेख महात्मा गांधी पर लिखा गया। अरे इतनी ही सावरकर जी की जय जय करनी थी तो ऑर्गेनाइजर और पंचजन ने जो आपके पब्लिकेशन है नागपुर से छपते उसमें छपवाते, क्यों गांधी से मान्यता चाहिए? लेकिन गांधी को सांस्कृतिक मंत्रालय का ये कहना कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन और सावरकर का कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रीडम स्ट्रगल में एक बराबर है, ये बात गले के नीचे नहीं उतरेगी और इसके खिलाफ बोला जाएगा। सावरकर जी कौन थे? 1910 में जेल गए, 1911 से माफीनामा लिखना शुरू कर दिया, 11 में लिखा, 13 में लिखा, 14 में लिखा, 18 में लिखा, 20 में लिखा, लगातार लिखते रहे। मुझे छोड़ दीजिए, मैं स्वतंत्रता संग्राम से कोई वास्ता नहीं रखू, और ये सच था, उन्होंने कोई वास्ता नहीं रखा। चाहे क्विट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे दांडी मार्च हो, चाहे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, उन्होंने किसी भी आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया। इनफैक्ट 1924 से 1937 तक अंग्रेजों के रत्नागिरी महल में रहे, जीवन पर्यंत अंग्रेजों की पेंशन ली, 60 रुपए मासिक पेंशन, तब बड़ी रकम होती थी। लेकिन सावरकर ने और भी बहुत कुछ किया। सावरकर ने जिन्ना से पहले टू नेशन थ्योरी की बात करी थी 1937 में, 1940 में जिन्ना ने करी थी, तो देश को विभाजित करने की पहली बात, पहली कवायद सावरकर ने करी थी। सावरकर भारत माता को माता नहीं कहते थे, इतने पितृ सत्ता से भरे हुए थे कि हमेशा पितृभूमि कहते थे, मातृभूमि नहीं कहते थे। सावरकर ने तो कभी दलितों के हक की बात नहीं करी, उनका वर्ण व्यवस्था में, उनका जात में काफी यकीन था, बहुत आस्था थी। तो सावरकर महानायक कैसे हुए? सावरकर तो माफी मांगते थे। इस देश के किसी भी और आजादी के योद्धा का नाम बता दीजिए जिसने माफी मांगी हो अंग्रेजों से, चाहे वो महात्मा गांधी हो, नेहरू हो, सरदार पटेल हो, भगत सिंह हो, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए। 9-9 साल पंडित नेहरू ने जेल में बिताया लेकिन माफी नहीं मांगी। जेल में उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी और सावरकर जी ने माफीनामे लिखे, ये अंतर। और आज आप सावरकर जी को गांधी जी के समकक्ष खड़ा कर देते हैं। गांधी जी क्या है? गांधी जी आज एक विचार है, एक मूल्य है। आइंस्टाइन ने जिनके लिए कहा कि एक ऐसा हाड़ मांस का शख्स इस दुनिया में आया था, आने वाली पीढ़ियां ये विश्वास नहीं कर सकेगी। गांधी सिद्धांत है। और क्यों है? वो आजादी के महानायक भर नहीं है, उनकी एक आवाज पे पूरा देश एकजुट होकर अंग्रेजी और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नहीं लड़ने लगता था। बिना शस्त्र उठाए उन्होंने अंग्रेजों को सिर्फ घुटने भर नहीं टेकवाए थे, उन्होंने समाज को सुधारने की कवायद करी थी। वो शोषित दलित वंचितों की आवाज बने, उन्होंने छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई, उन्होंने सबको एक साथ लेकर चलकर इस देश को एकजुट रखने की कवायद करी। गांधी ने महिलाओं के हक की बात करी, उनको डिसीजन मेकिंग में लाने की बात करी। गांधी ने स्वाधीनता की बात करी। गांधी के बराबर आप कैसे किसी को खड़ा कर सकते हैं? राष्ट्रपिता, बापू, महात्मा, ये जो संबोधन है ये गांधी जी को उन लोगों ने दिए जिनके उनके साथ बहुत बार वैचारिक असहमति रहती थी, ये उनकी महानता है। उन्होंने सिर्फ इस देश की पीढ़ी दर पीढ़ी को प्रेरित नहीं किया, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को प्रेरित नहीं किया, उन्होंने नेल्सन मंडेला को अफ्रीका में और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिका में प्रेरित किया कि वो अन्याय के खिलाफ अहिंसा पूर्वक तरीकों से लड़ सके। तो कोई बात तो रही होगी ऐसे शख्स में, और बात तो थी, क्योंकि जब गांधी को अब शब्द इस देश में कहे जाते हैं तो मोदी जी और उनके भक्तों का मुंह बंद हो जाता है। लेकिन उन्हीं मोदी जी को इस देश के बाहर जाकर गांधी पर लेक्चर भी सुनना पड़ता है और गांधी की प्रतिमा के आगे नतमस्तक भी होना पड़ता है, क्योंकि मान्यता और पहचान तो गांधी से ही मिलेगी। महात्मा गांधी को समझने के लिए उनके मूल्यों को, सिद्धांतों को, पर सबसे ज्यादा सत्य की ताकत को समझना पड़ेगा, और सत्य की उस ताकत ने कभी माफी नहीं मांगी। एक बात और क्लियर कर दूं, यहां पर बार बार कहा गया कि इंदिरा जी ने उनको वीर की उपाधि दी थी। इंदिरा जी की हत्या के बाद बहुत सारे ऐसे तथ्य सामने आए जिसमें पता चला कि मुखबिरी, माफीनामा, बार बार माफीनामा सावरकर जी ने लिखा था। तो भ्रांति फैलाने से बेटर है आजादी के आंदोलन को तो बख्श दीजिए, गांधी को गांधी बने रहने दीजिए, क्योंकि गांधी इस देश की आत्मा है। यह देश पहले भी महात्मा का था और आगे भी महात्मा का।